हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिव्या की दुनिया पुणे। और जैसा कि आप देख रहे हैं केक कट रहा है, तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज। और वैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, लेकिन बच्चे अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो उनको सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है बच्चों को, तो बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो केक कटने के बाद हम लोग यहाँ पर मैकडी में आए हैं, जैसे कि मैं आपको अपने पहले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ गाइस कि हमारे घर के बिल्कुल बाजू में, हमारी सोसाइटी के बिल्कुल बाजू में ही है। कितने का अमाउंट मंगाया? 322.24। ये ऑर्डर करके आ चुकी है और ये बता रही है कि कितने अमाउंट का उसने अपने लिए मील ऑर्डर किया है। अब ये भी ऑर्डर करके आ चुका है और अब मैं जाने वाली हूँ ऑर्डर करने के लिए। और अब मैं ऑर्डर करूँगी अपना, और बाद में सबसे लास्ट में हस्बैंड ऑर्डर करते हैं, वो देखते हैं कि किसने क्या क्या मंगाया है, उसके बाद वो अपना देखते हैं कि मैं क्या मंगाऊँगी। वैसे मोस्टली वो बर्गर खाते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं है बर्गर। मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन गाइस क्या होता है कि जब हम लोग पेरेंट्स बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, तो हमें अपनी चॉइस को प्रायोरिटी ना रख के बच्चों की चॉइस को प्रायोरिटी रखना पड़ता है। और जो बच्चे खाते हैं हमें वही खाना पड़ता है, और हमारी जो चॉइस होती है वो एक सेकेंडरी बन जाती है। तो बच्चों को बर्गर पसंद है तो हम लोग बर्गर ही खाएंगे, और हस्बैंड तो देखते हैं क्या लेंगे वो, बर्गर तो शायद वो नहीं लेंगे, तो देखते हैं वो क्या लेने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर आकर थोड़ा चेंज भी हो जाता है, घर पे वैसे हम घर पे ही ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। और ये मेरा ऑर्डर हो चुका है, मैंने भी ऑर्डर कर दिया है। अब ये पूछेगी मेरे से कि आपने कितने का लिया। हमने भी उतने का ही लिया। कितने का हुआ आपका? गाइस इसको बड़ी टेंशन रहती है कि कहीं मुझसे महंगा ऑर्डर तो नहीं कर दिया किसी ने उसको बहुत टेंशन हो जाती है। गाइस इतना बड़ा रिएक्शन दे रही है क्योंकि सब लोग एक दूसरे का पूछ रहे हैं किसने कितने का ऑर्डर दिया, और सबसे महंगा ऑर्डर मेरा ही है क्योंकि मैंने कोल्ड कॉफ़ी लिया है और मेरा बर्गर भी थोड़ा स्पाइसी वाला है तो थोड़ा कॉस्टली है, तो मेरा सबसे कॉस्टली हो गया है ऑर्डर, इसलिए ये यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है ये सब। गाइस जब तक हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा एक लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह का है ये, क्योंकि हम लोग भी टाइम पास ही कर रहे हैं, क्या करें। और मोस्टली खाली हो चुका है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, उससे पहले अभी यहाँ पर बहुत सारे बैचलर्स बैठे हुए थे यहाँ पर सामने वाली टेबल पर, उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी यहाँ पर केक लेकर आए थे। और ये ऑर्डर आ चुका है, आधा ऑर्डर आ गया है, ये मेरे हस्बैंड का और बेटे का ऑर्डर है, और हमारा ऑर्डर अभी आना बाकी है। ये देखिए दूसरा ऑर्डर भी आ गया है। गाइस मैंने ड्रिंक में कोल्ड कॉफ़ी ली है और इसका स्ट्रॉबेरी शेक है, तो वो नहीं आया है अभी, बाकी ऑर्डर आ चुका है सारा। इन लोगों ने कोक लिया है, मुझे कोक गाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं फैंटा पी सकती हूँ, स्प्राइट पी लेती हूँ, लेकिन मुझे कोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मुझे कोई फ्री में भी कोक दे तो मैं नहीं लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को कोक पसंद है, वो कोक पीते हैं, और इसको तो हर जगह शेक ही पीना होता है, स्ट्रॉबेरी शेक हमेशा इसका, या तो वाटरमेलन जूस पिएगी या शेक पिएगी। मेरी कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी है। पापा ने मेरी फ्राइज चुराई है, मेरी फ्राइज मैंने पैरी पैरी फ्राइज मंगाए हैं, और बेटे ने भी पैरी पैरी फ्राइज मंगाए हैं। हम दोनों स्पाइसी खाते हैं, ये सिंपल फ्राइज खाती है, इसको स्पाइसी थोड़ा पसंद कम है, और उसकी आँख में चला गया है। आपने क्या मंगाया?
पराठा। यहाँ भी रोटी खाते हो? हस्बैंड को रोल पसंद है, वो हमेशा पनीर रोल खाते हैं या चिकन रोल खाते हैं। तुम तो यहाँ ट्रेन की तरह बैठ गई हो। उन्होंने रोल मंगाया है, वो हमेशा रोल खाते हैं। ट्रेन की तरह बैठ गई, विंडो में से झांक रही है। गाइस यहाँ पर बैठ के विंडो सीट पर मुझे ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और ग्लास में से झांकते रहते हैं विंडो की तरफ। इन्हें कैप पहना के लाना चाहिए था, बर्थडे कैप पहना के लाते। गाइस खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं बाहर। खा लिया है हमने, मोस्टली इस बार हमने बड़ी शांति के साथ खाया है, नहीं तो कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ही है। तो अब हम निकल रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ नई शॉप्स बन रही है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि क्या नया आ रहा है, वो सब देखने के लिए जाएंगे हम। गाइस आपको कुछ समझ में आया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये इतना फास्ट बोलती है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। मैं इसको इतना समझाती हूँ बेटा थोड़ा स्लो बोला करो, लेकिन नहीं, वो बहुत फास्ट बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रही है। तो गाइस हम थोड़ा टहलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब घर पे हमें कुछ काम नहीं है, जाके सोना ही है अब हमें। और अभी 9:30 हुआ है, तो सोच रहे हैं थोड़ा आधा घंटा और टाइम कर ले, बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल तो जाना नहीं है, हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम पर ही है इस वीक, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है रात को सोने का। अदरवाइज़ गाइस हम रात को जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह मुझे 5:30 उठना होता है और बच्चों का लंच वगैरह बनता है, स्कूल जाते हैं तो हम लोग जल्दी सो जाते हैं। और तो इसलिए आज हम थोड़ा सा निकले हैं मूड में, हस्बैंड भी मूड में है, तो हम देख रहे हैं। गाइस ये जो एरिया है KFC बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है जब रात को हम निकलते हैं, लाइटिंग वगैरह रहती है। अभी तक तो अच्छा है जब तक ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रश होने लगेगा यहाँ पर तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खचपच वाला हो जाएगा। बट ठीक है, जब मन करता है तो हम यहाँ चले आते हैं, कुछ खाना पीना होता है तो हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, गाड़ी नहीं निकालनी पड़ती, सोसाइटी के गेट से निकलते ही बाजू में ही है ये हमारे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से कॉम्प्लेक्स आ रहा है ये हमारी सोसाइटी के आगे जो है, तो ये मेन रोड पर है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शॉपिंग मॉल टाइप है। तो यहाँ पर ये नई नई शॉप्स आ रही हैं, अभी ओपन नहीं हुई हैं, खाली बोर्ड लगे हैं, तो हम देखने के लिए आए हैं कि किस तरह का बन रहा है। और अभी अंदर वॉचमैन अलाउ नहीं कर रहा है, करेगा शायद हमें अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंधेरा है गाइस, लाइट्स नहीं ऑन हो रखी हैं, तो ऐसे जाना ठीक नहीं है, तो वो अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हमें। पर ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ से अच्छी बात है, हम लोग बाहर से ही देख लेते हैं। ये देखिए सामने रोड है, मेन रोड है, और ऊपर जो है ऊपर से मेट्रो का जा रहा है रोड यहाँ से, तो ये मेट्रो जाएगी यहाँ से, हमारे घर के जस्ट सामने से मेट्रो निकलेगी और ये कॉम्प्लेक्स है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या शॉप्स आएंगी, डेली नीड्स की आई होप शॉप आनी चाहिए, कोई ग्रॉसरी स्टोर आना चाहिए, क्योंकि खाने पीने का तो गाइस बहुत आ चुका है, बहुत ज़्यादा है, अब कुछ ज़रूरत की चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पर। ये हमारी बिल्डिंग है, पीछे सोसाइटी है हमारी, बिल्कुल इसके जस्ट बैक में ही है, मतलब हमारे बिल्डर ने ही बनाया है गाइस ये, तो हमारे जस्ट बिल्डिंग के आगे का पोर्शन है मेन रोड पर। नहीं है क्या हुआ? नहीं, मैंने पी रही। अब हम जा रहे हैं गाइस, बहुत हो गया एक्सप्लोर, अब हम घर के लिए जा रहे हैं। ये जो वे जा रहा है ये हमारी सोसाइटी के लिए जाएगा, यहाँ से हम लेफ्ट राइट ले लेते हैं। फूड कोर्ट वो एरिया, फूड एरिया जैसे है,
खाना ही खाना। लेकिन गाइस जब हमने यहाँ पर फ्लैट लिया था, जब हम यहाँ सोसाइटी में आए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई कैब भी नहीं मिलती थी, ऑटो नहीं था, कैब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी। और एक कोई शॉप भी नहीं थी, कुछ ग्रॉसरी लेना है, कुछ भी लेना है, कुछ आइटम नहीं था यहाँ पर, होम डिलीवरी सर्विस नहीं थी, अर्बन क्लैप वाला या कोई भी आप होम डिलीवरी चीज़ मंगा रहे हो, कुछ भी सर्विस अवेलेबल नहीं थी जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। 2019 की बात है ये, अक्टूबर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बीच में 2 साल कोविड की वजह से सारा डाउन हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी और जल्दी हो जाने वाली थी, तो थोड़ा डिले हो गया, बट फिर भी ठीक है। हम कह सकते हैं कि 4-5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, और अगर कोविड नहीं होता तो शायद ये मेट्रो स्टार्ट हो गई होती अब तक, बट ठीक है, हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। और ये सब जो है कोविड के बाद जो काम स्टार्ट हुआ है वो बहुत फास्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी डेवलप हुआ है। और ये देखिए हम अपनी चलते चलते बातें करते करते अपनी सोसाइटी में भी आ गए हैं। तो गाइस हमारा पेट्रोल का खर्चा बच जाता है, कहीं जाना होता है खाने पीने के लिए तो। अरे ये अलग, कुछ लोगों को यही पसंद होते हैं ये खाना, पता नहीं। देख उसमें उसमें देखना वीडियो में, हजी तक कहती है इसने बहुत खा लिया है, इन पे अब चला नहीं जा रहा है। ये देखो ये अभी यहीं पर ही लेट जाएगी ये बच्ची। गाइस हमारा फ्लोर आ चुका है, अब हम यहाँ से लिफ्ट से बाहर निकलेंगे और सीधे घर जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ आज का व्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ गाइस, काफ़ी लंबा हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय।